नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं रोहित लाल ब्लॉग की तरफ से आपसे फिर दोबारा मुलाकात कर रहा हूँ। आज नवरात्र का नवमी है और मैं कोटला मुबारकपुर में कोटला मंडल के श्री भरत चौधरी जी के यहाँ पे शूट करने के लिए आया हूँ, जो इन्होंने लंगर की सेवा स्टार्ट करी है। तो मैं स्वागत करता हूँ भरत चौधरी जी का। नमस्कार भरत जी। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ये आयोजन करा। माता रानी की कृपा से जो भी हो जाता है वो छोटा मोटा काम कर लेते हैं। हर साल नवमी पे नवरात्रि में भंडारा करते हैं, तो सब मैया की कृपा है। बिल्कुल, जो भी है सब उन्हीं की उससे है। तो जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितने साल से आप कर रहे हैं? ये मुझे हो गए 10 साल। 10 साल से कर रहे हैं, 10 साल से आप आयोजित कर रहे हैं ये कार्यक्रम यहाँ पे। और इसमें तकरीबन कितने लोग शामिल हो जाते हैं आपके साथ, या फिर आप अकेले ही? अकेले ही है, अकेले ही कंट्रीब्यूट रहता है अकेले। तो माता रानी और एक सावन में हम भंडारा करवाते हैं जी, सावन के अंतिम दिन साल में। तो माता रानी की ऐसी कृपा बनी रहे आपके ऊपर, और हम चाहते हैं कि हमेशा आप जिंदगी में चलते रहें। और हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको फिर मिलेंगे दोबारा। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। आओ जी। तो आज हमारे समक्ष हमारे चैनल पे श्री अशोक अग्रवाल जी आए हैं, जो आरएसएस के प्रमुख है कोटला के लिए। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं कि आपको कैसा फील होता है जब इतना अच्छा आयोजन करते हैं भारत जी और सब, आप सब मिलकर? लगता है कि धर्म की भावना बढ़ रही है, धार्मिक भावना हमारे देश में बढ़नी चाहिए, और भगवान राम के प्रति या माता के प्रति लोगों में ऐसी भावना बढ़ती रहे, और ऐसा और बढ़ता रहे, इसी यही हमारी उस पर वो रहती है हमेशा। तो आने वाले समय के अंदर आप भी चाहेंगे कि और ऐसा कार्य करते रहें? बिल्कुल, ऐसे ये बढ़ता रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए काम। लोगों के अंदर ऐसी धार्मिक भावनाएँ, भोजन बांटना, ये करना, ये चलता ही रहना चाहिए, जिससे कुछ लोगों का और ज़्यादातर लोगों को ये भोजन प्राप्त करे, प्रसाद मिलता रहे, और भगवान के प्रति उनका श्रद्धा बनी रहे। और ये बहुत पुण्य का काम है जो आप मतलब इस समय कर रहे हैं, कि जो जो काल चल रहा है कोरोना काल, इसके तौर पर काफ़ी अभी क्षतिग्रस्त हुए हैं लोग। हाँ जी हाँ, तो इसमें आप सबका योगदान रहा है थोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कुछ बोलेंगे? कोरोना काल के अंदर ऐसा भगवान ने हमारे को ऐसी शक्ति दी कि रोज 2 महीने तक लगातार सुबह शाम दोनों टाइम भंडारा हमारा रहा, विवेक जी और ये सारे लोगों के साथ सहयोग करके हमारे रोज़ दोनों टाइम के अंदर 500 से 600 आदमियों का रोज़ भोजन बनता था, और रोज़ उनको जितना भी हो सका, जितना राशन दे सके, जितना भी हम कौन होते देने वाले, पर ऐसा उस समय ही कृपा रहे आपके ऊपर, ऐसी बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर और अपने चैनल पर आया हूँ, और मैं बताने गया हूँ कि जो हमारे चाहते हैं श्री विनोद करोता जी, जो काउंसलर हैं क्षेत्र के, वो हमारे समक्ष पधार चुके हैं, थोड़ी उनसे वार्तालाप करते हैं। नमस्कार विनोद जी, हमारे चैनल पे फिर दोबारा आने के लिए, कि आप हमारे चैनल पे हमेशा मिलते हैं, कितना प्यार है आपको। कैसा लग रहा है नवमी के उपलक्ष्य में जो यहाँ पे लंगर चल रहा है, थोड़ा प्लीज़ बताइएगा। देखिए, आप जानते हैं आज रामनवमी है, और सभी तरफ मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है, और भंडारे यहाँ पे भरत चौधरी हैं, जो हमारे हमारे मंडल में महामंत्री भी बीजेपी में, तो मैं यहाँ हर साल ये भंडारा होता है, और मुझे आगे भी कई भंडारों में जाना है। इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि भाई आज जैसे कि भाई हमारे क्षेत्र में क्या पूरे हिंदुस्तान में भगवान राम स्वयं उतरी आए, और चारों तरफ रौनक मेला लगा हुआ है, और मैं भगवान राम से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी को स्वस्थ रखे, और उनके दिन रात उनकी मतलब कि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। और ये शुभ अवसर पर मैं पहले यही कहूँगा कि भाई इस कोरोना महामारी से भगवान राम हमें बचाए, ताकि हम आगे देश को आगे ले जा सके, और अपने क्षेत्र को आगे ले जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया करोगी जी। भरत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आयोजन की जो करा रहे हैं। और नमस्कार सर, आपसे मुलाकात कर चुके, फिर भी एक बार साथ में बात करना चाह रहे हैं। हमारे सामने जो कहा बहुत बढ़िया था, जो महामारी थी बोले बहुत अच्छा बोले। हम तो चाहते हैं कि मोदी और योगी जी क्या कहते हैं, महामारी खत्म ही हो गई है बिल्कुल। और भी बहुत से ऐसे केस हैं इस टाइम, तो बहुत लंबे जोड़ा बात है नीचे कोटला में। कार्य बहुत अच्छे चल रहा है सर आपका, आपका तारीफ है
कि आपने इस महामारी के अंदर सारे को वैक्सीनेट कर दिया कोटला में? भाई आ जाओ। देखिए जो तरुण तरुण जनता ने मुझे यहाँ पर जिताकर भेजा, तो मेरे परिवार के लोग हैं और मुझे उनकी सेवा करनी भी चाहिए, मेरा धर्म भी कहता, मेरा कर्तव्य भी कहता। रही बात कोरोना महामारी में जिस तरह से हमारी पूरी रेड जोन हो गई थी और हमने पूरी तरह से दवाई हो चाहे खाना हो किन गरीबों को और हर तरह से सुविधा देने की पूरी कोशिश करी, और ये भी एक रिकॉर्ड रहा कि हमारे जितने भी एमसीडी के अंदर सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाने वाले सेंटर जो हमारे कोटला बरात घर में बना और 250 से 300 वैक्सीन डेली की लगी हमारे यहाँ, ये अपने आप में पूरी दिल्ली के अंदर एक रिकॉर्ड रहा है। जय माता दी महाकाली महालक्ष्मी महाशक्ति। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। दोस्तों आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है इस तरफ और लोग आ ही रहे हैं और काफ़ी देर तक चलता रहेगा ये। तो आपको सर कितने दिन? नमस्कार सर। प्रेम चौधरी जी नमस्कार। नमस्कार। आपको कितनी देर से सर बांट रहे हैं? मैं एक घंटे के करीब हूँ। और भी चलता रहेगा मेरे ख्याल से काफ़ी देर? कम से कम तीन बजे तक तो चले रहेंगे। कुछ कहना चाहेंगे आपके भंडारे के? हर साल आप करते हैं, माता रानी कृपा आपके ऊपर। माँ की कृपा है, माँ का आशीर्वाद है, ये ऐसा ही हम पे बना रहे, हम ऐसे लोगों की सेवा करते रहे। और एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप इस काल के अंदर, लोगों को भंडारा बांट रहे हैं जो कि इस समय मुश्किल हो जाती है। कुछ कहना चाहेंगे जो भी बीमारी चल रही है हिंदुस्तान में? नहीं, उसके लिए तो मैंने वो मास्क नहीं लगा रखा था। नहीं नहीं, वो तो अभी आपने ऐसा काम कर रहे हैं तो जेब में रखा रहे थे। माता रानी की कृपा से अब कोरोना वरोना सब चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैया रानी। और मैंने तो ये सुना है सर आपने पूरे कोरोना काल के अंदर भी काफ़ी आपने सहायता करी लोगों की? लोगों को जो प्रवासी लोग जा रहे थे ना उनको हमने प्रतिदिन भोजन दिया था। अच्छा, तो कोटला में ही आपने करा था सर? नहीं, एम्स के पास। तो जो छोटा मोटा कंट्रीब्यूट होता है वो करते रहते हैं हम। अच्छा, तो आप लोग देख रहे हैं कि कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे और ये मेरे ख्याल से दो तीन घंटे और चलेगा ये मेरे ख्याल से। और ये बहुत बड़ा कार्य है इस समय ये काम करने का। नवमी है, माता रानी कृपा रहे सबके। और जैसे जैसे मैं आपको ब्लॉग डाल रहा हूँ, जैसे भी वैष्णो देवी का मैंने आपको ब्लॉग डाला था आपके लिए, काफ़ी पसंद करा आप सब लोगों ने और ऐसे ही पसंद करते रहिए। और दूसरा, ये जो कार्यक्रम हो रहा है विवेक जी, स्वागत है दोबारा हमारे चैनल पे। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ कहना, मामा भाई बोलेंगे बड़े। रोहित जी मशहूर हो रहे हैं आजकल। अरे नहीं, आपकी कृपा रहनी चाहिए। मैं तो कई बार देख रहा हूँ, लेकिन वो राम पहलवान जी के साथ हो, हमारे भाई जी के साथ कोई हो। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस नवमी के लिए कुछ आप? मैं तो आपको शुभकामना दे रहा हूँ कि आप हर जगह नजर आ रहे हो आजकल। चलिए आपके सामने रूबरू हो गए पहली बात।
जी 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 उनके साथ जी भाई तो अभी साथ हमारा दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि हमारा चैनल काफ़ी रिकॉग्नाइज में आ रहे हैं आने आ रहा है धीरे धीरे और कोशिश करेंगे इसको आगे बढ़ाने की। बस आपका साथ चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जो कि ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे देखने के लिए। तो ये भंडारा काफ़ी देर तक चलेगा मेरे। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत विजय चौधरी जी नमस्कार हमारे चैनल पे आने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं हर साल। उसके बारे में पूछना था मुझे आपसे कि आप हर साल कैसे करते हैं, तो अच्छी एक भावना मिलती है शरीर, मतलब परिवार में सुख शांति बनी रहे। हर महीने सोचते हैं कि कुछ ना कुछ के भैया साल आएगा जब जी जी माता का नवमी आएगी जी जी। अच्छा हाँ। तो कितने साल से कर रहे हैं आप ये? अब हमारा नौवा हो, नौ साल पूरे हो गए जी। अच्छा हाँ। तो कितने साल से कर रहे हैं आप ये? अब हमारा नौवा हो, नौ साल पूरे हो गए। हाँ तो आगे भी पूरी माता रानी कृपा रहे, जिंदे रहे और माता रानी कृपा रहे, जिंदा तो आप रहेंगे बहुत साल, फिक्र मत कीजिए। हजार रुपए इसके नाम के डालते रहते हैं। अरे वेरी गुड। तो और मतलब यहाँ पे आप जैसे लोग भी काफ़ी आते हैं जो दान पात्र करते हैं, जैसे मैंने सुना है कोरोना काल में काफ़ी आपने सहायता करी लोगों के खाने पीने के लिए। हाँ बस वो जो बढ़ गया जी करिए। हाँ जी हाँ जी हो गया तो इतना धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। ये भरत जी के पिताजी हैं जो इतने सालों से कार्य कर रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नौ साल से, नौ साल से धन्यवाद। रहने वाले हैं कोटमवारीपुर के नाम, विजय सिंह नाम है मेरा। तो धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पे हैं, शुक्रिया। कौन सा चैनल है जी? ये हमारा जी न्यूज़ प्रसाद है। अच्छा। और रोहित भैया को पता था दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देखने के लिए कि इस समय माता रानी के दिन चल रहे हैं और आज नवमी है। नवमी में हमारे भरत जी, भरत चौधरी जी ये सारे कार्यक्रम करते रहते हैं और काफ़ी अच्छा एक दृष्टि से लोगों को देखते हैं, जो कि ऐसा इस कोरोना काल के अंदर भी इंतजाम चल रहा है। तो भरत जी धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए और शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया इस कवर करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।